नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर सम्मिलित होने मंगलवार को आएंगे सीएम योगी। मंगलवार को है युग दृष्टा महंत दिग्विजयनाथ की पुण्य स्मृति। शाम को श्री राम कथा के समापन समारोह में भी होंगे शामिल। बुधवार को आयोजित होगा महंत अवैधनाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह। 91वीं पर हिंदू पक्ष में आए फैसले को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस टीम के साथ महानगर में किया फ्लैग मार्च। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया अपील। प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर गीडा थाने की पुलिस व तहसील बास गांव की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क। 2 करोड़ की जमीन बैंक के खाते में जमा 10,20,942.30 को कराया गया सीज। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों का किया जाएगा जांच। टीमें की गई हैं गठित, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषयक संगोष्ठी में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास ने कहा, गो सेवा के बिना भारतीय संस्कृति की नहीं है पूर्णता। गो रक्षा व गो सेवा के क्षेत्र में गोरक्षपीठ का योगदान अनिर्वचनीय। जनपद में लगातार अपराध में शामिल रहने वाले जनपद के 6 थानों के अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री शीट। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। भारत सरकार के डेलीगेशन समिति के साथ विदेश दौरे से वापस लौटे सदर सांसद रवि किशन मीडिया से हुए रूबरू। कहा, विदेशों में भी बढ़ा है भारत का मान सम्मान, वहां पर रह रहे लोग भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं गौरवान्वित। चौरी चौरा व उर्वा बाजार थाने के फरार चल रहे अपराधियों पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुरस्कार किया घोषित। एसएसपी ने दी जानकारी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को बनाया गया राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। पार्षदों एवं अधिकारियों की जागरूकता एवं सहभागिता की बैठक में सभी को दिलाया टीवी उन्मूलन के लिए शपथ। कहा, वादा है कि 2025 तक टीवी रोग से मुक्त हो जाएगा भारत। चौबीस घंटे के अंदर 3 मोबाइल लुटेरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का एक एप्पल मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के 6वें दिन कथा व्यास ने कहा, गोरक्षपीठ की एक और विशेषता है कि यहां गो सेवा तथा गोरक्षा का प्रति वर्ष संकल्प लेकर अधिकाधिक किया जाता है क्रियान्वित। जब सदर सांसद रवि किशन शुक्ला बने ट्रैफिक कंट्रोलर, महानगर के लोगों को आईटीएमएस के सिस्टम से ट्रैफिक के नियमों के प्रति किया जागरूक। कहा, त्रिनेत्र कैमरे की नजर में रखा गया है पूरे गोरखपुर को, पकड़े जाएंगे क्रिमिनल, खत्म होगा क्राइम। लूट की मोबाइल के साथ एक सातिर अभियुक्त राहुल सोनकर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के कार्यशाला का आयोजन कर भारत स्काउट गाइड के बारे में दी गई जानकारी। कहा, विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों के बारे में बताएंगे शिक्षक, ताकि देश में तैयार हो सके अच्छे नागरिक। और फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 5वें दिन यंग बॉय चरगावा ने लोको फुटबॉल क्लब को 4-0 से हराकर किया जीत हासिल। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी।
अब खबरें विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर में युगदिष्ठा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में चल रहे साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 13 सितंबर मंगलवार को सुबह गोरखपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होंगे। इसी दिन अपराह्न 3 बजे से वह मंदिर में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के समापन समारोह में भी मौजूद रहेंगे। ब्रह्मलीन महंत द्वय की पुण्य स्मृति में यह कथा 7 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुरू हुई थी। मंगलवार अपराह्न हवन एवं भंडारे के साथ कथा की पूर्ण आहुति होगी। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सुबह 10:30 बजे अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में अपनी भाव अभिव्यक्ति करेंगे। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर द्वय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कथा के साथ ही विभिन्न सामायिक व ज्वलंत विषयों पर एक सप्ताह के सम्मेलनों का आयोजन होता है, जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वान विमर्श करते हैं। इस वर्ष के सम्मेलनों में भारतीय सेना और अग्निपथ, नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति एवं गोसेवा जैसे सामायिक मुद्दों पर विद्वत्जन अपने ज्ञान अनुभव से समाज का मार्गदर्शन किया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने ज्ञान व्यापी पर हिंदू पक्ष में आए फैसले को लेकर महानगर में पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में तथा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में फ्लैग मार्च एवं रूट मार्च निकाला गया है। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, वाराणसी के जिला न्यायाधीश के द्वारा एक प्रकरण में, जो कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित है, निर्णय अपेक्षित है, इसको लेकर सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो हमारे संवेदनशील जनपद हैं वहाँ पे लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं तथा इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है। उनको बताया भी गया है कि जो भी माननीय न्यायालय के डिसीजन आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस को कार्रवाई करनी है और कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग ना होने पाए, इसके लिए सबसे अपील भी की गई है और संबंधित पक्षों के द्वारा भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ कोई भी अराजक तत्व या ऐसा तो उपद्रवी तत्व इन स्थितियों का फायदा न उठा पाए, इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके लिए जगह जगह पे स्टैटिक रिजर्व लगाया गया है। हमारे जो कि फोर्स है उसके साथ राइट गियर भी है और सेक्टर स्कीम लगा के लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ आज मंडे का भी दिन है, आज व्यावसायिक प्रतिष्ठान 2 दिनों के बाद से खुलते हैं तो उसके लिए भी लेके विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ जो ईआरबी की गाड़ियां हैं उसको भी विशेष रूप से लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनसे भी हमारा लगातार संपर्क है ताकि कोई भी लापता सूचना हो तो उसे वो तत्काल पुलिस अधिकारियों को बताएं, जिससे कि हम कम से कम समय में रेस्पॉन्ड करके चीज़ों को नियंत्रित करें। बंद की का कोई आयोजन नहीं है और जहाँ तक धारा 144 की बात है वो स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसमें जिला प्रशासन स्वतंत्र रहता है, उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं की हैं।
लेकिन मुख्यालय से सेक्टर स्कीम लगाकर गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जगहों पे जो संवेदनशील पॉकेट्स हैं वहाँ प्रॉपर डिप्लॉयमेंट फोर्स का व्यवस्थापन अभी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रखने के लिए और आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए आज सभी थाना क्षेत्रों में अधिकारियों के पर्यवेक्षण में फ्लैग मार्च और रूट मार्च चल रहा है, पिकेट्स भी लगाई गई हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जनपदवासियों को ये अपील करता हूं कि पुलिस और प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। जनपद पुलिस ने प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति को कुर्क किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत बांसगांव तहसीलदार संदीप कुमार त्रिपाठी व गीरा थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह ने टीम के साथ बांसगांव तहसील के चंदौली बुजुर्ग थाना बेलीपार में अवैध रूप से धन अर्जन कर खरीदी गई 10 डिसमिल जमीन कुर्क की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2,50,00,000 रुपए है तथा HDFC बैंक शाखा असुरन गोरखपुर में जमा 10,20,942 रुपया 30 पैसे को सीज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, गोरखपुर के माफिया सुधीर सिंह पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की संपत्ति खसरा संख्या 240/2 तो लगभग 10 डिसमिल जमीन आज दिनांक 12/9/2022 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद गोरखपुर के आदेश के अनुपालन के क्रम में अंतर्गत धारा 14 वन उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की जाती है। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला की ग्रुप में भी डालो, तुरंत अभी चला जा रहा है। शासन द्वारा संगठित माफियाओं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देशन में आज दिनांक 12/9/2022 को राज्य स्तरीय माफिया सुधीर सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत उनकी ग्राम चंदौली बुजुर्ग में स्थित 10 डिसमिल जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, तथा HDFC बैंक असुरन में जमा लगभग 11 लाख रुपए की संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया। उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी गीड़ा की आख्या पर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर की संस्तुति पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कराई गई। जनपद में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों का जांच किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि हम लोगों के पास कोई भी डिटेल नहीं था कि जनपद में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसको देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जितने भी मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी भी सूचना संकलित करवाया जाए, जिसके संबंध में 14 बिंदुओं का फॉर्मेट निर्धारित किया गया है, उस पर सर्वे के कार्य के लिए शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। जनपद में जिलाधिकारी हर तहसील पर SDM BSA अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम गठित की गई है। प्राइमरी स्तर पर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है कि कहां पर बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी सूचना ही संकलित की जा रही है, बिना मान्यता वाले मदरसों को सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। अभी तक मान्यता वाले कुल 243 मदरसे जनपद में चल रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, हम लोग के पास कहीं भी यह डाटाबेस नहीं था कि जनपद में या प्रदेश में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जितने भी मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी भी एक सूचना संकलित कराई जाए। इस संबंध में निर्धारित 14 बिंदु का एक फॉर्मेट निर्धारित किया गया और उस पर सर्वे के कार्य के लिए शासन द्वारा निर्देश दिया गया। इस संबंध में जनपद गोरखपुर में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक तहसील के SDM और उनके साथ BSA और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ हर तहसील में एक टीम तैनात कर दी गई है।
प्राइमरी स्तर पर यह संकलन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है कि कहां कहां पर मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इस संबंध में कल 13 तारीख को शाम 5 बजे एक सभी SDM साहबान ADM साहबान के साथ बैठक रखी गई है, जिसमें इस संकलित जो प्राइमरी लेवल की सूचना है उस पर चर्चा होगी तथा आगे की रणनीति पर कि किस तरह से उस निर्धारित बिंदु पर सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाए उस पर चर्चा की जानी है। जो बिना मान्यता नहीं, इसमें कार्रवाई के अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं है, क्योंकि मदरसे जब तक सरकारी सुविधा पाने के लिए ही मान्यता लेते थे, यदि वो बिना मान्यता के हैं तो कोई सरकारी सुविधा स्कॉलरशिप या अन्य कोई भी अनुदान नहीं दिया जाते थे, लेकिन कार्रवाई का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सिर्फ ये एक डाटा संकलन है अभी प्राइमरी स्टेज का। गोरखपुर में तो कुल 243 मदरसे हैं, गैर मान्यता प्राप्त की अभी एग्जैक्ट सूचना नहीं मिल पाई है, ये आगे एक दो दिन में जो सर्वे का कार्य चल रहा है उससे कुछ अंदाजा लग जाएगा। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास ने कहा कि संस्कृति की विशिष्टता एवं महानता के कारण ही भारत को जगत गुरु कहा जाता है और सृष्टि के आरंभ से ही गो सेवा इस विशिष्ट भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। गो माता की महिमा से परिपूर्ण इस भारत भूमि पर जन्म लेने को देवता भी ललायित रहते हैं। गो सेवा के बिना भारतीय संस्कृति की पूर्णता नहीं हो सकती। महंत सुरेश दास युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत सोमवार को भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत गंगा जमुना सरस्वती जैसी पुण्य सलीला नदियों का देश है, अयोध्या वृंदावन मथुरा काशी जैसी मोक्षपुरियों का देश है, इससे भी बढ़कर यह प्रभु पूज्य देव पूज्य और सर्व पूज्य गौ माता का देश है, इसलिए भगवान के भी सभी अवतार भारत में ही होते हैं। उन्होंने कहा कि अनादिकाल से ही गौ माता भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु गाय की महत्ता आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय से प्राप्त हर उत्पाद हमारे लिए संजीवनी समान है। महंत सुरेश दास ने कहा कि गो रक्षा और गो सेवा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में गोरक्षपीठ का अतुलनीय और अनिर्वचनीय योगदान है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के आदर्शों पर चलते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गो सेवा तो जन जन के लिए अनुकरणीय है। संगोष्ठी में नीमच मध्य प्रदेश के महंत लालनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ से मिली गो सेवा की प्रेरणा से वह भी नीमच के मंदिर में गौशाला संचालित करते हैं। उन्होंने कहा कि गो सेवा को अहर्निश महत्व देने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में गौ सेवा और गौ रक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। एक बार फिर गौ माता को आर्थिक समृद्धि के आधार रूप में माना जा रहा है। कालिका मंदिर नई दिल्ली के महंत सुरेंद्र नाथ ने कहा कि गाय को माता इसलिए कहा जाता है कि हम जीवन पर्यंत इनके दूध का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि गाय से प्राप्त हर उत्पाद अमूल्य है, मसलन गोमूत्र से अनेक औषधियों का निर्माण होता है और यह सबसे सटीक और सुरक्षित कीटनाशक भी है। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के महंत नारायण गिरी ने कहा कि गाय से प्राप्त पंचगव्य से कई रोगों का इलाज संभव है। बड़ौदा गुजरात के महंत गंगादास ने कहा कि हम यह तो कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ का निवास है, लेकिन कई बार गाय को मारने के लिए दौड़ा देते हैं। हमें अपनी मान्यता के अनुसार श्रद्धा भी रखनी होगी। कटक ओडिशा से आए महंत शिवनाथ ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति के 16 प्रमुख स्तंभों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गो सेवा करते थे, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ा। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक से पधारे योगी कमलचंद्र नाथ ने भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा के संदर्भ में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर पूर्व पशुधन विकास अधिकारी एवं गो सेवक वरुण कुमार वर्मा वैरागी ने गो महिमा पर काव्य प्रस्तुति की। संगोष्ठी में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि आज पूरे विश्व में सनातन संस्कृति को सम्मान मिल रहा है और गो माता हमारी संस्कृति की एक शक्ति है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में पिता से मिले गो सेवा के संस्कारों का संस्मरण सुनाते हुए कहा कि गो सेवा की संस्कृति को हम सभी को संजोकर रखना होगा।
संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृत का पहचान ही गो सेवा से है। उन्होंने गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के गो प्रेम का उल्लेख करते हुए कहा कि गोरक्षपीठ की गौशाला में गोरक्षा, गो सेवा, गोपालन और गो पूजा के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। संगोष्ठी का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव तिवारी और आदित्य पांडे ने किया। इस अवसर पर महंत नरहरिनाथ, महंत देवनाथ, महंत राम मिलन दास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविन्द्र दास, योगी रामनाथ, महंत पंचाननपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर जनपद के 6 थानों के अपराधियों को दुराचारी घोषित करते हुए हिस्ट्री शीट खोली गई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसको देखते हुए 6 अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। उन्होंने बताया कि बांसगांव थाने के राजेश मौर्य पुत्र बेचयई मौर्य निवासी भ्योरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा सुरेंद्र मौर्य पुत्र हरिवंश मौर्य निवासी भ्योरा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, तीसरा सहजनवा थाने के शशि कपूर साहनी पुत्र स्वर्गीय रामकिशन साहनी निवासी बनकटिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा रामगढ़ताल थाने के इरफान अली पुत्र इकबाल अली निवासी बड़गो थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, पांचवा सिकरीगंज थाने के जयकिशन हरिजन पुत्र राम फेरन हरिजन निवासी मलाव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, छठवा हरपुर बुधहट थाने के राजेश उर्फ पप्पू शुक्ला पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र शुक्ला निवासी रघुनाथपुर टोला सुरवलिया थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिससे इन अपराधियों में कानून का भय बना रहे और यह अपराध करने से डरे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, लगातार जो अपराधियों के विरुद्ध जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसके लिए अभियान चल रहा है। जो भी ऐसे अपराधी हैं जो सक्रिय हैं, पूर्व में जिनके द्वारा अपराध किए गए हैं और अभी भी उनकी गतिविधियां जो हैं वो संज्ञान में आ रही हैं, ऐसे अपराधियों के ऊपर हिस्ट्री शीट की कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन जिन को कार्रवाई की जा सकती है उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। पिछले 15 साल में जो भी अपराधी प्रकाश में आए हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जेल से छूटने वाले जो अपराधी हैं वो पुनः अपराध ना कर सकें और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शंस होने हैं या इस तरह की कार्रवाई गैंगस्टर गुंडा हिस्ट्री शीट जैसी कार्रवाइयाँ होनी है उसके लिए सभी थानों पर लिस्ट बनाई गई है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंगली काम जो है वो किया जा रहा है। भारत सरकार के डेलीगेशन के साथ विदेश दौरे से वापस आए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने एनेक्सी भवन सभागार में पत्रकार वार्ता कर कहा कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से देश विदेश में भारत का अपना एक अलग ही महत्व है। वहां रहने वाले लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, विदेश में भी 2014 की सरकार की चर्चा हुई और 2014 के बाद नॉन करप्शन की चर्चा हुई। केंद्र व राज्य में योगी सरकार के राज में किसी तरह के भ्रष्टाचार और किसी मंत्री के घर से कैश व अवैध संपत्ति के कागजात नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश और समाज आगे बढ़ रहा है, विदेशों में भी हर जगह सरकार की चर्चा है, हर क्षेत्र में विदेश में बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO तक बन रहे हैं। PM मोदी बिना स्वार्थ देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, आप लोग उनका साथ दीजिए। भारत में विरोधी संगठन 2024 की तैयारी कर रहा है, इसमें ये बुरी तरह मात खाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में नीतीश और गुजरात में केजरीवाल विचारधारा चल रही है, वे 2024 में बुरी तरह मुक्की खाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतेंगे, भाजपा का कमल खिलने वाला है, इनकी झूठ तुष्टिकरण और हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, भारत मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। किसी समुदाय के हेड के साथ बैठकर राहुल हिंदू और सनातन धर्म के विरोध में बात हो रही थी, इनके पर्सनल वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है, आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, मैं सभी मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूं और मैं साधुवाद देता हूं सभी लोगों को आने के लिए। दरअसल मैं अभी विदेश यात्रा से लौटा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे स्पीकर महोदय जी ने मेरा नाम नॉमिनेट किया भाजपा की तरफ से,
तो मैं विदेश यात्रा पे डेलीगेशन के साथ गया था, हमारे ओम बिरला जी के साथ। और वहाँ जाने के बाद जब मैं विदेशों में पहले जाता था शूटिंग करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पर मुझे बहुत ही अपमानित महसूस होता था कि मैं एक ऐसे कमज़ोर देश से आया हूँ, भारत से। ऐसा लगता था जब मैं पहले जाता था 2014 के पहले शूटिंग करने, और अब मैं विदेश गया हूँ जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, और उसके बाद जो मैं सम्मान विदेशों में देखा हूँ, वहाँ के एम्बेसडर रहे या वहाँ के प्रेसिडेंट उस देश के मुझे मिले या वहाँ का डेलीगेशन मिला, तो लो उनकी नज़रों में भारत के प्रति जो सम्मान था, भारत के प्रति जो आदर था, वो देखने काबिल था। मैं उसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस भारत को, जहाँ पर लोग एक करप्शन वाले देश की तरह कहते थे या सांपों का देश या यहाँ पर गरीबी है ऐसा सोचते थे, अब मैं विदेश से स्वयं जाके आया हूँ, डेलीगेशन से मिलके वहाँ के पार्लियामेंट्स में भी गया और बड़े बड़े देशों के पार्लियामेंट्स में गया, पार्लियामेंट्रियन से भी मिला, और जब उनकी देश की नीतियों को और अपने देश की नीतियों को बातचीत के दौरान पता चला कि हमारी नीतियाँ, हमारा देश जीडीपी ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 13.5% हो गई है और हम लोग आज एक विश्व गुरु बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो मैं इसका पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूँ कि इस भारत को, एक नए भारत को इतना शक्तिशाली बनाए, जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा। जब इंडिया हाउस में हमने तिरंगा लहराया तब भी एक गर्व महसूस हुआ। तो आज मैं सभी को आपके द्वारा अपने गोरखपुर क्षेत्र से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, और पूरे देश को जो मुझे पूरे देश में सुन रहे हैं इस वक्त, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग गर्व करें अपने तिरंगे पे, आप लोग गर्व करें इस भारत पर, जिस भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने निस्वार्थ त्यागी की तरह सींचा है और उसकी रचना जैसे रच रहे हैं, और आप लोग सब लोग 135 करोड़ मिलकर उनका साथ दे रहे हैं, तो ये आपको एहसास होगा जब आप विदेशों में जाओगे कि आज भारत को एक शक्तिशाली देश माना जा रहा है। आज भारत की तरफ यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर की तरफ जिस तरह से मोदी जी का डिसीजन रहा, उसके लिए सम्मान से देखा जा रहा है। 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा के इस समस्त भारत को बचा ले गए प्रधानमंत्री जी, उसके लिए उनको सम्मान से देखा जा रहा है। भारत अपनी संस्कृति, संस्कार, पद्धति को दोबारा से जीवित करके, और प्रभु राम का मंदिर हो या सनातन संस्कृति या विचारधारा को लेके चलते हुए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को, और यहाँ पे हर भाषा के लोगों को शांति से लेके चलना, जहाँ पे लोग कुछ भी अफवाह उड़ाएं, या जैसे आज विरोधी दल एक भारत जोड़ो यात्रा लेके जो निकले हैं हमारे राहुल गांधी जी, उन लोगों को भी सीखना चाहिए विदेशों में जाके पता चले, क्योंकि राहुल जी की जो यात्रा है वो भी सबको पता चल रही कि वो भारत तोड़ो यात्रा है पूरी तरह, और जोड़ो नहीं है, क्योंकि भारत तो जुड़ चुका है राहुल जी। ये भी मैं आपको बता दूं, आज मैं विदेश से लौट के ये बोल सकता हूं, क्योंकि विदेशों में भी आप लोगों की 2014 के पहले की सरकार की भी चर्चा हुई, और अब नॉन करप्शन, जहां मोदी जी की सरकार आई और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, जब करप्शन ज़ीरो रहा, जब किसी मंत्री पर कोई दाग नहीं, किसी के मंत्री के घर से कैश नहीं निकल रहा है, या ज़मीनें या जायदाद के पेपर इलीगल नहीं निकल रहे हैं, तो आज ये देश सम्मान से, आज गांव देहात भी बढ़ रहा है, क्योंकि जनता का पैसा कई सालों के बाद, 14 के बाद जनता में उतर रहा है, उसका मैं साक्षी बन के विदेशों से आया हूँ। क्योंकि ये सारी डेलीगेशन की चर्चा में ये बात भी रही, जब मैं वहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में गया, जब मैं वहाँ के स्टूडेंट से मिला, जब वहाँ मैं एग्रीकल्चर के इसमें गया, हर फील्ड में हमारे आईटीएंस, हमारे बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में, हमारे बच्चे साइंस में, हमारे बच्चे डॉक्टरी में, हमारे बच्चे हर जगह कंप्यूटर्स में, हमारे बच्चे आज हमारे भारत के बच्चों को लोग गर्व की तरह देखते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से जाके वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी के CEO बन जा रहे हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन सेक्टर में आज बहुत बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मैं देख के आज मैं इतना अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा था कि मैंने आज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस की ये बताने के लिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सही पथ पर निस्वार्थ तरीके से इस देश को विश्व गुरु बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग उनका साथ दीजिए, तो आप लोग हमेशा साथ दे रहे हैं, और वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत में विरोधी संगठन क्या कर रहा है 2024 की तैयारी, और वो संगठन की तैयारी में वो लोग बुरी तरह मात खाएंगे, क्योंकि जब विकास की गंगा बहती है तो उसमें ये जो भारत जोड़ो यात्रा लेके जो निकले हैं,
राहुल जी, ऐसे सारे संगठन और ये सारी विचारधारा जो एक बिहार में चल रही नीतीश बाबू की विचारधारा या केजरीवाल गुजरात को लेके कर रहे हैं, मैं आज आपके समक्ष ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ कि गुजरात का चुनाव आ रहा है, आप लोग देखिएगा इसी विकास की गंगा के साथ, जो विचारधारा के साथ भारत चल रहा है, हम लोग गुजरात जीतेंगे, उसके बाद चुनाव राजस्थान होगा, हम लोग राजस्थान जीतेंगे, फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल ये तीनों राज्यों में खिलने वाला है और ये सारे लोग अपनी मुंह की खाएंगे, क्योंकि इनकी झूठ की राजनीति, इनकी भारत तोड़ो की राजनीति, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये सब ध्वस्त होगी और हम लोगों की जीत होगी, क्योंकि ये विकास की जीत है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत होगी और हम लोग आज एक भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में पूरे विश्व में उभर के आए। देखिए बात है कि आप परसों एक वीडियो उनका वायरल हुआ जो मैंने विदेश में भी देखा था, वीडियो उनका दो तीन दिन पहले आया था, एक वीडियो जिसमें किसी समुदाय के किसी हेड के साथ बैठ के बात कर रहे थे और उस स्ट्रेट अवे वहाँ पर हिंदू विरोधी बातें हो रही थी, सनातन धर्म के विरोध में बात हो रही थी। इसी से पता चलता है कि इनकी ये पर्सनली उस यात्रा के दौरान किस किस जगह पर रुक के क्या क्या बातें कर रहे हैं और कैसे एक सनातन विचारों के खिलाफ तो ये लोग थे ही हमेशा, लेकिन अब इनकी बातें, इनके पर्सनल वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि सीधे सीधे ये भारत तोड़ो यात्रा, भारत राहुल जी जुड़ चुका है, भारत कृपया कई सौ साल के बाद और करीबन आप लोगों की सरकार जाने के बाद अब जुड़ा है, 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, भारत अखंड के रूप में आगे आया है, भारत अब तो जगा है, भारत का तिरंगा अब लेके लोग गर्व से दौड़ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था आप लोगों के टाइम, हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग हैं कौन, हमारी जड़ें क्या हैं, हमारी बिरादर क्या है, हम लोग की सोच क्या है, भारत क्या है और भारत की विचारधारा क्या है और भारत का धर्म क्या है, अब तो हम लोगों को पता चला है। तो कृपया इसको आप ना तोड़ें, भारत जुड़ चुका है राहुल जी, आप अपनी पार्टी को जोड़ें, आपके एक एक मंत्री, आपके एक एक विधायक सांसद रोज भाग रहे हैं, आपकी पार्टी टूट रही है, आपको किसी ने गलतफहमी से बताया कि भारत को ये जोड़ने की बात, लेकिन आपको अब कृपया अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए, रोज आपकी पार्टी में कोई बचा ही नहीं है, सारे दिग्गज आपके रोज जा रहे हैं छोड़ के, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है, तो उस हिसाब से आपको अपनी पार्टी पे ध्यान देना है, ना कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए महादेव जहाँ पर बसते हैं, महादेव जहाँ हैं स्वयंभू हैं, वो आए हैं, अगर उनका स्थान उनको प्राप्त हुआ है और वो स्वयं बताना चाह रहे हैं कि मेरा स्थान है, तो वो अगर दिख गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह ले लेंगे और सिर्फ महादेव अपना स्थान लेंगे और महादेव जहाँ थे वहाँ पर अगर रहे हैं और उनका वो स्थान है तो उनका वहाँ विराजमान होगा और वहाँ पर उनको उनकी भव्यता के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। अब पूज्य महाराज जी हर चीज़ बहुत बारीकी से सोचते हैं, अगर महाराज जी का डिसीजन है कि अगर कोई इलीगल मदरसे चल रहे हैं, अगर महाराज जी का चल रहा है कि अगर इलीगल कोई भी है, देखिए जहाँ भी कोई चीज़ इलीगल होगी याद रखिएगा वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी होगी, जिसने भी राज्य सरकार से भारत सरकार से ऑफिशियली अपने आप को स्थान का अगर अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं रखा है तो वहाँ उस आदमी की मंशा गलत होगी। तो कोई भी स्थान, छत, दुकान, मकान, घर, संस्था, ट्रस्ट जो भी इलीगल है, जिसको भारत या राज्य सरकार ने प्रमाण नहीं दिया है, तो वहाँ पर कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी जरूर होगी। तो ऐसी जी तो बड़ा घुड़की दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा। देखिए वो उनका देने दीजिए, हम लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को देश को संभालना है, उनको घर की एक राजनीति करनी है, उनको अपने समुदाय की बिरादरी की राजनीति करनी है, देश की राजनीति में देश की सुरक्षा देखी जाती है, उसमें हिंदू की भी सुरक्षा देखी जा रही है, मुसलमान की भी देख, कहीं बम ब्लास्ट होता है तो उसमें हिंदू भी मरेगा मुसलमान भी मरेगा, तो वो हिसाब से महाराज जी अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं देश के बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के बच्चों के भविष्य के लिए, कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी टेररिज्म वाली एक्टिविटी, कोई भी गलत काम ऐसी संस्थाओं में और ऐसे स्थान पर नहीं होने चाहिए। एक बहुत बड़ा अध्याय शांत हुआ है और उसके लिए
प्रधानमंत्री जी से लेके पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री जी से लेके समस्त देश के दिग्गज नेताओं ने उनको उनके लिए एक संदेश भेजा और लेकिन उन्होंने पूरे जीवन में बड़े बड़े संदेश दिए। गंगा जी की लड़ाई रही माँ गंगे की लड़ाई के लिए और हर तरीके से उन्होंने बहुत साथ दिया सनातन धर्म का। हम हिंदुओं के वो हमेशा लड़ाई हमारी विचारधाराओं के लिए लड़ते रहे। तो मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे पिताजी भी उनको बहुत मानते थे, मेरे पिताजी से उनकी मुलाकात भी थी क्योंकि मेरे पिताजी भी पुजारी थे तो मैं उनको उस रूप में भी जानता हूँ। मैंने आशीर्वाद भी उनका प्राप्त किया था। बहुत बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे। उनका जाना हमारे हिंदू धर्म के लिए हिंदू समाज के लिए एक बहुत दुखद रहा लेकिन उनका एक समय भी हो गया था, 99 वर्ष के थे और एक समय के बाद प्रभु सबको अपने पास बुला लेते हैं। हाँ वो कि उसमें वैनिटी वैन्स हैं, उसमें सारी कंफर्टेबल चीज़ें हैं और वो देखिए एक हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पार्टी करने सब लोग जा रहे हैं। एक होता ना कि चलो सैटरडे पार्टी करने जाते हैं तो हमको वो लग रहा है हंसी बोली कहा है ये कि ये मौसम देख रहे हैं, बंगला देख रहे हैं, गाड़ी कौन सी गाड़ी ली है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा चर्च क्या है, तुम्हारा दुकान क्या है, तुम्हारा मकान क्या है। भारत के बारे में पहले तोड़ने जोड़ने पहले भारत को जानो तो सही। आपको भारत ही नहीं पता, आप पार्लियामेंट में भी आते हैं तो आपके जब हमारे सामने ही बैठे रहते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती है, पार्लियामेंट में आज मूवमेंट क्या होगा, पार्लियामेंट में आज बिल क्या आएगा, आज पार्लियामेंट में किस तरह की चर्चा होगी, आपको खुद ही नहीं मालूम होता। आप वहाँ हमेशा देख हम सामने देखते हैं, हमारे मेज के सामने बैठे रहते हो, आप पूछते रहते हो अपने अगल बगल में कि आज क्या होने वाला। तो जब ये पहली बात भारत को जानो, दुख देखो, हम लोग तो रेंग कर आए हैं, हम लोग मिट्टी के घर से यहाँ पहुँचे हैं। आपको भारत के लिए अगर नेतागिरी करनी है, भारत के बारे में सोचना तो आपको उस पसीने के अंदर घुसना होगा, मेहनत से बनना होगा। महलों से निकल के आप भारत की दर्द को नहीं समझ पाएंगे। भारत 80% देहात है तो भारत को जानने के लिए आपको देहात में रहना। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबी से आए हैं, हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे नेतागण सारे गरीबी से आए हैं, अपने आप को छिले हैं शरीर को, अपने आप में लाठियां खाई हैं लोगों ने, आवाज़ दी, अब लोग लड़े हैं। मैं रेंग कर ऊपर आया हूं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को बनाया हूं, तब यहां पर आके लड़ के जीत के यहां पर आप लोगों के समक्ष बोलने के काबिल हुआ। ये सब महल के नेता लोग हैं, ये बड़े बड़े एयर कंडीशन में रहते हैं, ये लोग गर्मी होती है तो छुट्टियों में बर्फ़ में चले जाते हैं। ये लोग क्या जाने भारत का दर्द, ये लोग क्या भारत को बनाएंगे, ये लोगों ने क्या बनाया। भारत जब इनके हाथ में था मार के लूट के खसोट के खत्म कर दिए, खोखला कर दिए थे भारत को। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में चौरी चौरा थाने व उर्वा थाने के फरार चल रहे अपराधियों के ऊपर इनाम घोषित किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि चौरी चौरा थाने के फरार अपराधी हिशाबुद्दीन उर्फ टोनी पुत्र सुजायत अली निवासी तलवा मुरलीधर थाना तमकोही राज जनपद कुशीनगर, दूसरा अजीमुल्लाह पुत्र आशिक मियाँ निवासी लतवा मुरलीधर थाना तमकोही जनपद कुशीनगर की गिरफ्तारी के लिए 20,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। इसके अलावा उर्वा थाने के फरार अपराधी धर्मेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम किशुन निवासी रौजा दरगाह थाना उर्वा बाजार जनपद गोरखपुर की गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जिन मुकदमों में पुराने जो वांछित हैं, जो अभी तक जिनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, उनके विरुद्ध NVW 82-83 की कार्रवाइयाँ भी लगातार करने के आदेश दिए गए हैं। उसी के क्रम में ऐसे दो व्यक्तियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो है वो पुरस्कार घोषित किया गया। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर सम्मिलित होने मंगलवार को आएंगे सीएम योगी। मंगलवार को है युग दृष्टा महंत दिग्विजयनाथ की पुण्य स्मृति। शाम को श्री राम कथा के समापन समारोह में भी होंगे शामिल। बुधवार को आयोजित होगा महंत अवैधनाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह। 11वीं पर हिंदू पक्ष में आए फैसले को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस टीम के साथ महानगर में किया फ्लैग मार्च। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया अपील।
प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की अवैध संपत्ति को जिला अधिकारी के निर्देश पर गीडा थाने की पुलिस व तहसील बास गांव की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क। 2 करोड़ की जमीन बैंक के खाते में जमा 10,20,942.30 रुपया को कराया गया सीज। SP नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों का किया जाएगा जांच, टीमें की गई हैं गठित। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषयक संगोष्ठी में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास ने कहा, गो सेवा के बिना भारतीय संस्कृति की नहीं है पूर्णता। गो रक्षा व गो सेवा के क्षेत्र में गोरक्ष पीठ का योगदान अनिर्वचनीय। जनपद में लगातार अपराध में शामिल रहने वाले जनपद के 6 थानों के अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री शीट, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। भारत सरकार के डेलीगेशन समिति के साथ विदेश दौरे से वापस लौटे सदर सांसद रवि किशन मीडिया से हुए रूबरू, कहा विदेशों में भी बढ़ा है भारत का मान सम्मान, वहां पर रह रहे लोग भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं गौरवान्वित। चौरी चौरा व उर्वा बाजार थाने के फरार चल रहे अपराधियों पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुरस्कार किया घोषित, SSP ने दी जानकारी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को बनाया गया राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। पार्षदों एवं अधिकारियों की जागरूकता एवं सहभागिता की बैठक में सभी को दिलाया टीवी उन्मूलन के लिए शपथ, कहा वादा है कि 2025 तक टीवी रोग से मुक्त हो जाएगा भारत। चौबीस घंटे के अंदर 3 मोबाइल लुटेरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का एक एप्पल मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे 7 दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के 6वें दिन कथा व्यास ने कहा, गोरक्ष पीठ की एक और विशेषता है कि यहां गो सेवा तथा गो रक्षा का प्रति वर्ष संकल्प लेकर अधिकाधिक किया जाता है क्रियान्वित। जब सदर सांसद रवि किशन शुक्ला बने ट्रैफिक कंट्रोलर, महानगर के लोगों को ITMS के सिस्टम से ट्रैफिक के नियमों के प्रति किया जागरूक, कहा त्रिनेत्र कैमरे की नजर में रखा गया है पूरे गोरखपुर को, पकड़े जाएंगे क्रिमिनल, खत्म होगा क्राइम। लूट की मोबाइल के साथ एक साथी अभियुक्त राहुल सोनकर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के कार्यशाला का आयोजन कर भारत स्काउट गाइड के बारे में दी गई जानकारी, कहा विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों के बारे में बताएंगे शिक्षक, ताकि देश में तैयार हो सके अच्छे नागरिक। और फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 5वें दिन यंग बॉय चरगावा ने लोको फुटबॉल क्लब को 4-0 से हराकर किया जीत हासिल। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीवी मुक्त भारत के लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में तथा महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के नवीन सदन हॉल में पार्षदों एवं अधिकारियों की जागरूकता एवं सहभागिता में एक बैठक आयोजित किया गया तथा सभी लोगों ने टीवी उन्मूलन के लिए शपथ ली, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय क्षय रोग के ब्रांड एम्बेसडर व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला रहे। महापौर सीताराम जायसवाल ने मुख्य अतिथि को बुके एवं
बैच लगाकर तथा माला पहनाकर स्वागत किया तथा कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मान किया गया, जिसके संबंध में टीवी रोग के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमें टीवी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि 2025 तक भारत टीवी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को खांसी आ रही है और 2 दिनों तक खांसी रुक नहीं रही है तो तुरंत जांच कराएं। इसका इलाज जिला अस्पताल पर निःशुल्क है। अगर कोई भी टीवी के मरीज होता है तो उसे सरकार 500 रुपये हर महीना खाने के लिए देती है और हम सभी को मिलकर टीवी से मुक्त भारत बनाना है। वहीं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश प्रसाद यादव ने बताया कि टीवी के मरीज को दवाओं के साथ मानसिक संबल मिलने से टीवी से लड़ाई आसान हो जाती है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, सुरेंद्र, धर्मवीर प्रताप सिंह, राजेश सिंह सहित पार्षद एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय क्षय रोग के ब्रांड एम्बेसडर व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा। महोदय और जिला क्षय रोग अधिकारी महोदय द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है, जोरदार ताली से स्वागत। सर महोदय का, महापौर महोदय का जोरदार ताली से स्वागत। गोरखपुर जनपद की तरफ से तथा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माननीय सांसद मोदी जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना, जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं पुष्प देकर, मैं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर माला पहनाए पुष्प देकर अब मैं उप से निवेदन करूंगा। सर आप उप सभापति महोदय को हम ब्रांड एम्बेसडर अनुरोध करूंगा कि सांसद जी को माला पहनाकर स्वागत करें और हम सब की तरफ से उन्हें हाथ माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर डॉक्टर आशुतोष रूपे जी से अनुरोध करूंगा कि वो शब्दों से उपस्थित सभी को हम लोगों ने अपना सांसद बनाया है, वो टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है अपने यहाँ से टीवी की एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में हम लोग जो है एक सरकारी कर्मचारी बने के नाते हम लोग की ना कोई ऐसी हैसियत है, ना हम लोग इसका स्थान रखते हैं, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय ने जो सम्मान ट्यूबरक्लोसिस के लिए अपना व्यक्त किया है उसके लिए हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सभा में आने के लिए। और अपने व्यस्ततम समय से आज सांसद महोदय ने इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। परम आदरणीय हम लोगों के अभिभावक हमारे महापौर महोदय ने अपने व्यस्ततम समय से हम लोगों को ये समय निकाला है, हम उनका इस सभा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने जितने यहाँ सदन में उपस्थित हमारे पार्षद महोदय हैं जो हमारे इसके लिए जो है एक चिराग का काम करेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र में ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम की जन जागरूकता की रैली निकालेंगे, जन जागरूकता का जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे जितने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, मैं सबका जैसे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में जो है हम लोग जो है काफ़ी अच्छे स्थान पर हैं। हमारा जो है टीबी के इलाज से ठीक करने का प्रयत्न कहा था, रोग से घृणा करें रोगी से नहीं, हम लोग इसी कार्यक्रम को इसी तरह करते मरीजों को, टीबी के मरीजों को, टीबी का मर्ज जो हो 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है तो वो टीबी हो सकती है, ये बात अवश्य ध्यान रखें कि हर खांसी टीबी नहीं होती है। आमंत्रित करूंगा छोटू भाई यहाँ उपस्थित है और वरिष्ठ पार्षद अजय राय जी यहाँ उपस्थित है, मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ माननीय सांसद जी का एकल पुष्प देकर स्वागत करें। अभिषेक निषाद जी
जितेंद्र चौधरी जीतू जी, जिनका यह गृह क्षेत्र है, जिनका यह वार्ड है, जिसमें सदन भवन बना नगर निगम प्रांगण यही के क्षेत्र में है, तो हम लोग उनसे भी आग्रह करें और माननीय सांसद जी तक पहुंचाते हैं। ऐसे समरेंद्र विक्रम सिंह जी, ऐसे जय यदुवंशी जी, यहाँ पे पवन दुबे जी उपस्थित है, उनका भी सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कोई माननीय पार्षद जिला शहरों केंद्र राजेश गुप्ता बड़े पाबंद है और अतिरिक्त समय देके ये मरीजों की सहायता भी करते हैं। मेरे जितने पार्षद गण हैं, जिन लोग ये जिम्मेदारियों में बहुत बड़े योद्धा के रूप में, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी, मुझे उन्होंने पहले विदेश दौरे पर भेजा। मैं जब पेरिस में था तब वहीं पे मुझे लेटर मिला कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बना गया हूँ। टीवी हारेगा देश जीतेगा के इस प्रधानमंत्री जी के सबसे दिल के करीब के मोमेंट पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वचन बहुत कम दिया है, लेकिन जब वचन दिया उन्होंने कि 2025 तक टीवी हारेगा देश जीतेगा। अभी हम सेमा महोदय से बात कर रहे थे, तो भारत एक, अब इसको भारत का दुर्भाग्य कहेंगे हम लोग, क्योंकि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टीवी मरीज यहाँ पर है। जैसे इंडिया में 26% है, इंडो चाइना में 8.5 है, इंडोनेशिया में 8.54 है, फिलिपाइन में 6% है, पाकिस्तान में 5.8 है, बांग्लादेश 3.6 है, साउथ अफ्रीका 3.3 है। फिर उन्होंने कहा ट्रॉपिकल रीजन है, मैंने इनसे सीएमओ महोदय से पूछा, बिकॉज इनको बहुत नॉलेज भी है, मैंने बोला क्यों इतने टीबी के मरीज हमारे यहाँ देश में क्यों है, तो यहाँ का वेदर कंडीशन ऐसा है कि मलेरिया बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है और अपना मुँह खोल देता है और उतना अटैक करने की पूरी सिचुएशन में रहता है और फैलता जल्दी है। एक हिंदुस्तान की धरती ऐसी है, उसके चूँकि बहुत सारे रीजन हैं, तो अब है उसको कैसे ठीक करना, ये प्रधानमंत्री जी की चिंता रही। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह मौका मुझे दिया, देवी जनता ने मुझे जिताया मुझे महाराज जी के आशीर्वाद से। महाराज जी के बारे में पूरे देश में चर्चा है, विदेशों में भी मैं गया था, वहाँ पर भी चर्चा है कि किस तरह से वो मेडिकल के लिए एक लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंसेफ्लाइटिस के लिए जैसे महापौर जी ने कहा, और गोरखपुर जाना जाता था कि गोरखपुर एक कटोरे की तरह है, पानी यहाँ जमा हो जाता है उसका एग्जिट नहीं, इसी तरह इसका पूरा आकार है गोरखपुर का, उसमें पानी जमा हो जाना, उसका अगर निकलना नहीं है तो बीमारी डेफिनेटली होगी, मलेरिया होगा और गंदगी होगी, बीमारियाँ होंगी। खैर महाराज जी ने उसका भी पूरा निवारण निस्तारण किया और आज हम लोग 98% हम लोग इंसेफ्लाइटिस को हरा चुके हैं, तुझे महाराज जी की जिंदा रहने से। अब रही बात टीवी की, तो 7,800 मरीज को गोरखपुर से चुनना था, हमारी टीम इतनी अच्छी है, सीएमओ महोदय की यहाँ की मेडिकल टीम इतनी अलर्ट है, क्योंकि सीएम सिटी है, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज को भी अपोजिशन या लोग वायरल करते हैं, तो हम लोगों को या हमारे सारे अधिकारी गण को या सारे प्रतिनिधि गण को या पार्षद गण को सबको बड़ा एक्टिव और सचेत 24 घंटा रहना पड़ता है कि हम लोगों से छोटी गलती भी यहाँ देश की न्यूज बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है, तो हम लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, वो अस्पताल हो या वो एजुकेशन सिस्टम हो या जल जमाव हो या किसी प्रकार का प्रतिनिधि का व्यवहार हो, आचरण हो प्रतिनिधि गण का या हमारे पार्षद गण का, या हमारे को तुरंत किसी ने गुहार लगाई किसी मदद के लिए, अब हम लोग को तुरंत उसको पूरा करना होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा मीडिया की नज़र में और अपोजिशन की नज़र में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सीएम सिटी है और राजनीति का गोरखपुर एक गढ़ है। तो अब यहाँ पर खोजा गया तो 7,800 जैसे पूरे देश में 82% 86% टीवी के मरीज हैं, अभी हम लोग उसको खत्म करना है 16% पर हम लोगों को या 26% पे हम लोगों को कैसे भी ऑलमोस्ट 16% या 17% को कैसे भी खत्म करना है, प्रधानमंत्री जी की चिंता है।
आज शपथ लेते हैं कि समाज से क्षय रोग के उन्मूलन हेतु हम अपने समाज को जागरूक करेंगे और अपने आसपास के संभावित क्षय रोगी को प्रेरित करेंगे तथा टीबी के कलंक को मिटाते हुए समाज को क्षय रोग से मुक्त करने से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यहाँ से सभा समाप्त करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गणेश यादव, मैं जिला क्षय रोग अधिकारी हूँ। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, खास करके ये टीबी के मरीजों के लिए, कि 2025 तक पूरे भारतवर्ष में टीबी को ख़त्म करना है। टोटल जो है हमारा एक भी मरीज टीबी का न रहे, यही मकसद से ये जो है प्रोग्राम हम लोग लिए और इसके लिए नामित किए गए हैं भारत सरकार के तरफ से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे सांसद जो हैं ये श्री रवि कृष्ण जी, और वो सब जगह प्रथम आगमन पर उनका एक स्वागत भी हुआ और टीबी के विषय में ये जन जागरूकता, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए जागरूकता कि लोगों में ये जागरूक करें कि ये ठीक होने वाली बीमारी है, आप इसे रेगुलर ट्रीटमेंट लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दवा भी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी है, इसके साथ साथ दवा के साथ साथ आपको पोषण के लिए 500 रुपये हर मंथ जो है आपका जब तक इलाज चलेगा तब तक सरकार की ओर से DBT के माध्यम से आपका खाता में जाते रहेगा। कुछ लोग सम्मानित किए गए हैं, कुछ लोग सम्मानित किए गए हैं जो कि कोरोना काल में या अभी भी वो जो हैं लैब टेक्नीशियन थे, LT थे, उन्होंने जाँच जो है टीबी का जो जाँच है आजकल मॉडर्नाइज जाँच हो गया, वो जाँच आपको प्राइवेट में भी नहीं मिल पाएगा, अगर प्राइवेट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, तो उन लोग बहुत अच्छा रोल किए हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उसमें एक तो दिव्यांग भी थे जो कि वो टाइम से आना, टाइम से अधिक जो है वो जांच करते हैं, इसलिए उन लोगों को BRD के 2 LT थे, अपना 3 यहाँ के थे, उनको सम्मानित किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमको ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने टीबी मुक्त भारत में बनाया, जो उनके दिल के बहुत करीब का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं वो करते हैं, उसके लिए उन्होंने पूरे देश के लिए मुझे नेशनल एम्बेसडर बनाया है टू टेक केयर कि मैं इसकी बातें प्रचार प्रसार करूं, और मैं उसके लिए अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते देश की जनता और उत्तर प्रदेश और समस्त गोरखपुर की जनता को बोलूँगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, खांसी जब भी आती हो लगातार 2 दिन के बाद अगर खांसी रुक नहीं रही है तो आप उसका जाँच करवा दीजिए, मुफ्त जाँच है, अगर TB रोगी कोई निकलता है तो 500 रुपये सरकार उसको देती है खाने पीने के लिए, उसको इम्यूनिटी सिस्टम को पावर बढ़ाने के लिए, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, कृपया मुफ्त में TB जांच करवा लें। 7,800 केसेस अभी भी गोरखपुर में हैं जो TB से ग्रसित हैं, उनको हमको कैसे भी रिकवर करना है, उनके मुंह पर मास्क ज़रूर लगेगी क्योंकि 1 TB रोगी 10 लोगों को और बढ़ा सकता है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बीच बीच में बार बार बताता रहूँगा कैसे TB की जागरूकता और TB को कैसे गोरखपुर की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती और इस भारत से हम लोगों को मिलकर ख़त्म करना है, मेरा साथ दीजिएगा, धन्यवाद। कैंट थाने की पुलिस ने मोबाइल फोन लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को PWD रोड से आने वाले तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शिवम निगम पुत्र सोमनाथ निगम निवासी संग्रामपुर कस्बा उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा अमन गौड़ पुत्र धर्मेंद्र गौड़ निवासी मिर्जापुर गुड़ियाना बाबा के नीचे गली में अनीस के मकान में थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा सिद्धार्थ साहनी पुत्र महेश साहनी निवासी मिर्जापुर मुंडेरी चक बासमंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट के एक एप्पल आईफोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 11 सितम्बर को वादी मुकदमा द्वारा रीजनल स्टेडियम के सामने से अज्ञात बाइक सवारों द्वारा अपने एप्पल मोबाइल फोन को
छीनकर भाग जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि तीनों अभियुक्त दोस्त हैं और साथ में मिलकर अपराध की घटना को कारित करते रहते हैं। ये सभी अक्सर सुनसान सड़कों पर सुबह के समय मोबाइल छिनैती की घटना करते हैं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि 6 सितंबर को इन लोगों द्वारा कारमल रोड से एक लड़के का एप्पल मोबाइल फोन छीना गया था। घटना के समय शिवम निगम मोटरसाइकिल चला रहा था तथा अमन व सिद्धार्थ पीछे बैठे थे। सिद्धार्थ साहनी द्वारा ही लड़के के हाथ से एप्पल मोबाइल फोन को छीना गया था। आज भी मोबाइल छीनने के फिराक में ही ये सब घूम रहे थे, पकड़े गए जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, नितिन श्रीवास्तव, कांस्टेबल संजीत अजीत यादव शामिल रहे। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के 6वें दिन कथा व्यास असर्पी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य ने व्यास मंच से कहा कि स्थान की बहुत महिमा होती है। गोरक्ष पीठ जहाँ के संतों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है, जहाँ पर भगवान महादेव आर्यावतार रूप में गोरखनाथ जी की प्रतिमा के रूप में विराजमान है, ऐसी सिद्ध पीठ जहाँ योग विद्या की ऊर्जा का संचार होता रहता है, ऐसे स्थान पर भगवान श्री राम कथा का श्रवण परम कल्याणकारी होगा। गोरक्ष पीठ की एक और विशेषता है कि यहाँ गौ सेवा तथा गोरक्षा का प्रति वर्ष संकल्प लेकर अधिकाधिक क्रियान्वित किया जाता है। उन्होंने जन जन का कल्याण करेंगी गौ माता भजन सुनाकर गौ सेवा के महत्व को बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि भगवान राम के जन्म के दिन भी अयोध्या में गौ माता की विधिवत पूजा की गई थी। गौ के घी से यज्ञ करने पर वातावरण शुद्ध होता है तथा यज्ञ मेघ बनकर दृष्टि करते हैं। गोघृत से यज्ञ करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। हम सभी के जीवन में यज्ञ का संपादन करने में गौ और ब्राह्मण का बहुत महत्व है। गाय व ब्राह्मण के शरीर में साक्षात ईश्वर होता है, इनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। संसार का कोई भी जीव जंतु जिनके चिंतन मनन में शुष्क होकर रुदन करे वही प्रभु श्री राम है। जिनका वध भगवान अपने हाथों से करते हैं वे भी भगवान की महिमा का गान करते हुए प्राण त्यागते हैं। भगवान जब पंचवटी में रहते हैं उस समय पशु पक्षियों का उनके प्रति प्रेम का वर्णन रामायण में किया है। भगवान के प्रति भरत का प्रेम अचित्वत प्रेम होता है। स्वयं को जड़ भाव के रूप में मानकर आराध्य को चेतन मानना ही अचित अर्थात जड़वत प्रेम है। भक्त अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में मानकर उनकी भक्ति को अपने जीवन का एकमात्र प्रयोजन बना लेता है। यही दशा भरत की प्रभु श्री राम के प्रति रही, इसलिए रामायण में भरत की भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति बताई गई है। ऐसी अवस्था के भक्तों को अपनी चिंता नहीं रहती, भगवान स्वयं ही भक्तों की चिंता करते हैं। पंचवटी में भगवान भरत को उसी तरह याद करते हैं, तभी पंचवटी में घूमते घूमते सुपनखा आ जाती है और वह प्रभु को देखकर मोहित हो जाती है। भगवान उसका परिचय पूछते हैं तो वह बताती है कि वह रावण की बहन है। वह झूठ बोलती है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान उसको समझाते हैं कि तुम राजकुमारी हो, तुम मेरी पत्नी सीता के साथ कैसे रहोगी, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, उसके साथ रहो। लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो उनका सेवक हूँ, मेरे पास तुमको दासी बनकर रहना पड़ेगा। राम जी राजा हैं, उनके पास रानी बनकर रहोगी, उन्हीं के पास जाओ। वह नहीं मानती है और सीता जी पर आक्रमण करना चाहती है तो उसका नाक कान लक्ष्मण जी काट देते हैं। वह रोते रोते खरदूषण के पास जाती है। देखकर खरदूषण युद्ध के लिए आते हैं, भगवान उन सब का वध कर देते हैं और फिर वह रोते रोते लंका जाती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा यह ना पूछो कि मरकर किधर जाएगा। कथा व्यास ने भजन सुनाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान का स्वरूप रमणीय है, ऐसी रमणीयता है कि शूर्पनखा अपने नाक कान कटने पर भी उनके सुंदरता का ही वर्णन रावण के सामने करती है। यही राम जी का अभिराम गुण है कि शत्रु भी उनकी सुंदरता का गुणगान करता है। रावण क्रोधित होकर मारीच को बुलाता है तो मारीच उसको बताता है कि वह राम सामान्य वनवासी नहीं है,
स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, उनके विपरीत जाना अमंगलकारी ही होगा, आप उनसे शत्रुता ना करें। किंतु अभिमानी रावण क्रोध में आकर कहता है कि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों तरफ मरण देखकर मारीच भगवान के हाथों मरना स्वीकार करता है। प्रभु के करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, भजन गाकर कथा व्यास ने ईश्वर की करुणा का वर्णन किया। भगवान से जानकी जी का 3 बार वियोग होता है, किंतु तीनों का अलग अलग प्रयोजन रहा है। रावण के द्वारा हरण होने पर जो वियोग होता है उसका प्रयोजन दुष्ट रावण को समझाने के लिए उसके साथ जाती है, जैसे कोई माँ अपने बालक को दलदल में जाता देखकर स्वयं उसमें कूदकर बचाना चाहती है। दूसरा वियोग तब होता है जब लोक अपवाद के कारण सीता को वन में छोड़ा जाता है। उसका प्रयोजन रामायण में बताया गया है कि सीता जी गंगा तट पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के दर्शन कराने के लिए उनको ले जाकर लखनलाल छोड़ वन में छोड़ते हैं। तीसरा वियोग तब होता है जब नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ करते हैं, वहाँ वाल्मीकि जी के साथ सीता जी आती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी के लिए भगवान से निवेदन करते हैं, राम जी ने कहा कि मैं इन प्रजाजन के कहने पर ही सीता का त्याग किया था, आप प्रजाजन से पूछ लीजिए, यदि वे कहें तो मैं स्वीकार कर लूँगा। इस पर सीता जी माता पृथ्वी का आवाहन करती हैं और पृथ्वी फट जाती है, सीता जी उसमें समाहित हो जाती हैं। इसका प्रयोजन जीवों के प्रति भगवान का सद्भाव प्रदर्शित करना रहा। कथा का प्रारंभ व्यास मंच की पूजन से तथा समापन आरती और प्रसाद वितरण से हुआ। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, यजमान अवधेश सिंह, ब्रजेश मणि त्रिपाठी, विनय गौतम आदि उपस्थित रहे। समर्पण हो तो भगवान वैकुंठ से पधार जाते हैं, यहां तो मार्ग भी ही करते हुए आ रहे हैं। जैसे पहुंचे पंपा सरोवर पर तो सभी ऋषि मुनि दौड़ पड़े, भगवान हमारी परण कुटीर को कृतार्थ करिए, हम इतने वर्षों से तप कर रहे हैं, हम अन्न जल का त्याग कर चुके हैं, केवल वायु पी कर रहे थे, केवल सूर्य की किरणें पान करके हम तप कर रहे हैं, हमारी कुटिया को पवित्र करिए। प्रभु ने कहा सबसे पहले सबरी के आश्रम में जाऊंगा। सबरी का आश्रम किधर है? ऋषि मुनि महात्मा जन एक दूसरे की ओर देखने लगे, उसका आश्रम किसने बताया? प्रभु को बोले पता है कि मैं आगे पूछू। लोगों ने कहा ऐसा ऐसा इस कारण से जल दूषित हो गया, पंपा सरोवर का जल रक्त हो गया था, तो और लोगों का संदेह बढ़ गया, कुछ गड़बड़ी तभी हुआ है। प्रभु राम ने कहा कि सबरी जैसी भक्ता का भागवता का निराकरण करने के कारण जल दूषित हुआ, सबरी का चरण प्रक्षालित जल डाल दिया गया तो पूरा जल निर्मल। प्रभु पहुंचे
प्रणाम किया, वंदन किया, चरण प्रक्षालन किया, विराजमान किया, पुष्पहार अर्पण किया, कंदमूल फल अर्पण किया। प्रभु राम ने क्या पूछा मालूम? वाल्मीकि जी की दृष्टि में स्तुति वगैरह कुछ नहीं, सीधे राम जी पूछते हैं, कच्चिते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। तेरे गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा भक्ति थी, उनके वचन पर जो भरोसा था, विश्वास था कि एक दिन प्रभु यहां आएंगे, दुनिया के लोग प्रभु को खोजने के लिए वन वन कंदरा सरोवर तड़ाक तट पर जाते हैं, लेकिन एक दिन स्वयं परमात्मा तुम्हें खोजते हुए यहां पधारेंगे। एक जो गुरु जी ने वचन कहा था उसके तुमने आहार पर विजय प्राप्त की थी, आज उसका फल मिल गया। भाव विभोर हो गई सबरी। सबरी कहती है भगवान आइए दिखाऊं मैं अपने गुरु जी की महिमा। राम जी की स्तुति नहीं करती वाल्मीकि राम है, रामचरित मानस ने तो किया है। कितना दैन्य भाव है रामचरित मानस में, अधम ते अधम अधम अति, कितना दैन्य भाव है, बड़ा सुंदर भाव। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उतना भी नहीं। आइए रघुवर देखिए तो सही मेरे गुरुदेव का प्रभाव, उनके तप का प्रभाव। मेरे गुरुदेव को गए वैकुंठ कई वर्ष हो गए, परंतु उनके कंठ की जो माला थी, पुष्पहार था, वो अभी भी सूखा नहीं है, वैसे रखा हुआ है। गुरुदेव के पर्ण कुटीर में पूजा के पुष्प निरंगलान बिना सूखे वैसे रखे हैं। मेरे गुरुदेव के वस्त्र स्नान करके जो सूखने को डाले थे, वो अभी भी उसी प्रकार गीले वस्त्र भी शाखाओं में लटके हुए सूखे नहीं। मेरे गुरुदेव जिस यज्ञ कुंड में आहुति देते थे, यज्ञ करते थे, उनके वैकुंठ पदार्पण के बाद किसी ने आहुति नहीं डाली, किसी ने संध्या नहीं डाली यज्ञ कुंड में, लेकिन यज्ञ कुंड की अग्नि अभी भी प्रज्वलित है, बुझी नहीं है। ये मेरे गुरुदेव की महिमा है। राघव देखिए ना, हमारे गुरुदेव जब अस्वस्थ हो गए, तीर्थों में नहीं जा पाते थे, तो सारे तीर्थ इसी कुंड में आकर निवास करने लगे थे। ये हमारे गुरुदेव की महिमा है। राम जी कहते हैं तभी तो मैंने तुमसे पूछा। प्रभु राम स्वयं सबरी से कहते हैं कि जैसे बादल बहुत गड़बड़ाए, गर्जना करे, लेकिन बारिश ना हो तो बादल सुंदर नहीं दिखते। व्यक्ति कितना सुंदर हो, कितना धन धान से संपन्न हो, लेकिन प्रभु चरणों में भक्ति प्रीति ना हो तो सब व्यर्थ है। उसी प्रकार बहुत कुछ हो किसी के अंदर, लेकिन मेरे चरणों में भक्ति ना हो तो उसका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। नौ प्रकार की भक्ति का प्रभु ने उल्लेख किया है। प्रथम भक्ति सं कुछ संतों की बड़ी कृपा है। हमारे परम योगी श्री कमलनाथ जी महाराज यहाँ भगवान की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूर्ण सेवा करते हैं और प्रतिदिन आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, महाराज जी का भी दर्शन मिल रहा है। और माता हनुमानगढ़ी फैजाबाद जिसको अयोध्या महाराज जी ने कर दिया है, तो पता चला वहां गए हैं और फिर पता चला कि महाराज जी को भंडारा नहीं देते। तो फिर कहां दर्शन आपको मिलेगा? लेकिन ऐसे महापुरुषत्वय देदीप्यमान नक्षत्र सनातन धर्म के, जिनके पावन स्मृति में सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, उनकी पुण्य स्मृति में और हमारे यशस्वी मनस्वी कर्मनिष्ठ परम योगी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर के पावन उत्तर से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह संतों का दर्शन मिलता। और जब संतों का दर्शन मिलता है तो दूसरी भक्ति अपने आप आ जाती है। दूसरी भक्ति क्या है?
संत बैठेंगे तो हरी चर्चा ही करेंगे, हम भगवत चर्चा करेंगे, तो चर्चा आप सुन ही रहे हो। तो बड़ी लंबी भक्ति है नौ प्रकार की, इसलिए उस भक्ति का उल्लेख हम लोग कल अनुभव करें। कल विश्राम दिवस भी है, कल किसके माँ की भी मार्मिक कथा है। कई लोगों के मन में एक संदेह रहते हैं ना कि राम जी ने छिपकर बाली का वध क्यों किया आदि आदि, उन सब का समाधान करेंगे। कोई व्यक्ति निश्चल भाव से करावे तो सर्वम न्यायमत्वा विदुषाम की वसोभनम, सबका समाधान है। कोई दुराग्रह लेकर आवे तो नहीं है। सुंदर कांड की सुंदर संक्षिप्त चर्चा भी सुनेंगे, और लंका कांड में राक्षसों के वध करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए तो 2 मिनट में राक्षसों का उद्धार करके राम जी को राज्याभिषेक हो करके हम कल दर्शन करेंगे, अनुभव करेंगे। और जैसा आप अब आगे देखिए, अपने कर्तव्य निष्ठ भगवान जी, हम तो सोचे आज प्रकट नहीं हो रहे हैं, कुछ रस धारा बढ़ेगी, लेकिन इस सोचते ही देखिए आप प्रकट हो गए। तो समय की मर्यादा है, भाव भक्ति से श्री रामायण जी की आरती करेंगे। राम नाम बोलो मन हरे, राम बोलो रे, 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 बोलो 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 मन हरे, राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे, राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे भजना रे, सांसद रवि किशन शुक्ला ने नगर निगम भवन में बने ट्रैफिक कंट्रोल रूम ITMS का औचक निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद व्यक्त किया कि इनके आशीर्वाद से गोरखपुर बदल रहा है। ITMS कार्यालय में लगे सिस्टम को देखा तथा वहीं से लोगों को जागरूक भी किया। सभी लोग दोपहिया वाहन से चलते समय हेलमेट लगाएं और चारपहिया वाहन से चलते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। उन्होंने SP ट्रैफिक सहित सभी कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड का आभार
व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अद्भुत है कि पूरे गोरखपुर को त्रिनेत्र कैमरे के नजर में रखा गया है। क्रिमिनल पकड़े जाएंगे, इससे क्राइम खत्म होगा, कोई भी चोर चोरी करके भाग नहीं पाएगा। यह ऐतिहासिक है और अपना गोरखपुर बदल रहा है। इस अवसर पर TSI रामवृक्ष यादव, ITMS प्रभारी नौशाद अली, महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित ITMS के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, बस बेटा आप अपना काम कर, बेटा अपना काम कर ना, काम चलान करते हैं, जैसे सिग्नल जंप कर दिए, नो हेलमेट पे कर दिए, नो हेलमेट चल रहे, तीन लोग चल रहे हैं, स्पीड ओवर स्पीड पे चल रहे हैं। जैसे रामगढ़ वाला जो रोड है सर, रामगढ़ इसको बहुत लोग स्पीड देते हैं, जनता को कि आप सिग्नल फॉलो किया कीजिए, टीवी पे डिस्प्ले भी करते हैं कि क्या क्या एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको कैसे कैसे सीट बेल्ट लगाने से। इतना बड़ा टीवी दिखाने के बजाय छोटा कर दोगे तो और मैं शहर भी देख पाऊंगा। अभी मैं 4 चौराहे एक साथ देख रहा हूँ, तो मैं 12 चौराहा एक साथ देख रहा हूँ। पहले दोबारा मैं आप लोगों को, इस वक्त मैं ऐसे मॉनिटर रूम में हूँ जहाँ मैं पूरे गोरखपुर को टेलीविजन के एक मॉनिटर के द्वारा देख रहा हूँ। आप लोग को ट्रैफिक नियम का पालन नगर निगम भी द्वारा दिया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस को साधुवाद, रामवृक्ष जी को साधुवाद कि आप लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, सारे कांस्टेबल जो दिन रात होम गार्ड खड़े हैं मेहनत कर रहे हैं, उनको साधुवाद और धन्यवाद, आभार। और आप लोग नियम का पालन करवाते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ये गोरखपुर बदल रहा है। गोरखपुर आज एक टूरिस्ट हब है, उसमें SP ट्रैफिक कि आपकी दिन रात की मेहनत काम आ रही है। मेरा गोरखपुर बदल रहा है, मेरा गोरखपुर ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहा है। हेलमेट सब लोग कृपया पहने, गाड़ी में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। मैं सांसद रवि किशन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। दोबारा फिर कोई नियम का पालन करना होगा या कुछ उल्लंघन हो रहा होगा या कोई नई बात होगी, मैं आपके समक्ष फिर आवाज के द्वारा आऊंगा। इस वक्त मैं गोरखपुर को त्रिनेत्र सारे CCTV कैमरे से देख रहा हूँ। जय हो भारत माता की जय, हर हर महादेव। ये अद्भुत ऐतिहासिक है जिसे पूरा गोरखपुर आज त्रिनेत्र में और कैमरे की नज़र में निगाह में, इससे बहुत क्राइम खत्म हो जाएगा। इससे गोरखपुर का कोई चोर चोरी करके भाग नहीं सकता क्योंकि हर जगह उसको कैमरा देख रहा है, हर कोई सामान किसी का छूट गया और ट्रैफिक का नियमों का पालन हो रहा है, तो ऐतिहासिक। कैंट थाने की पुलिस ने लूट के मोबाइल के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को वी पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राहुल सोनकर पुत्र स्वर्गीय राजकुमार सोनकर निवासी तुर्कमान रावत पाठशाला के पीछे थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक वीवो मोबाइल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त नशे का आदी है, अपने शौक पूरे करने के लिए लूट व चोरी जैसे अपराध करता है, इससे पहले भी कई बार चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। बरामद सुदा मोबाइल के बारे में पूछा गया तो बताया कि इस मोबाइल को दिनांक 9 सितंबर को मोहद्दीपुर चौराहे पर से एक व्यक्ति से छीना था, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक सुधांशु सिंह, अवनीश कुमार पांडे, कांस्टेबल चीपू सुल्तान, ब्रजपाल यादव, सौरभ गिरी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के शिक्षकों का बिगनर्स कोर्स और भारत स्काउट गाइड नॉर्मल स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रहे, जिसके संबंध में भारत स्काउट गाइड के सहायक सचिव ज्ञानेंद्र ओझा ने बताया कि बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को भारत स्काउट गाइड के संस्था के नियमों और कार्यों के बारे में बताया गया है, जिससे शिक्षक विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों के बारे में बताएं ताकि हम देश में अच्छे नागरिक तैयार कर सके।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत स्काउट गाइड के सहायक सचिव ज्ञानेंद्र ओझा, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के सहायक प्रदेशीय संगठन नौशाद अली सिद्दीकी, जिला बेसिक शिक्षा परिषद की जिला गाइड कैप्टन प्रतिमा शुक्ला और जिला स्काउट मास्टर जयप्रकाश मदेशिया ने कहा। और आपने अच्छे यूनिट लीडर के रूप में बच्चों को, मैंने कुछ दिन पहले अभी हमारी एक बी एस सी कैंप प्रतियोगिता पुलिस स्तर पर आयोजित हुई थी, आपके समय में आपके साथ मुलाकात की। ऐसे जानकार, ऐसे योग्य अगर शिक्षा अधिकारी आपको मिल जाए तो निश्चय ही आपका भविष्य उज्ज्वल होने के साथ साथ जो संकल्पना सजोए हैं समाज में मैं उसको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब 1907 ईस्वी में इस पर्यटन की शुरुआत हुई तो बेटन पावेल जी से हमारे भारतीय महापुरुष पंडित श्रीराम वाजपेयी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजलू, डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महापुरुष प्रदेश के विभिन्न प्रदेश देश के विभिन्न प्रदेशों में और जब स्काउटिंग की टीम नहीं करके सब लोगों ने मिल करके एक समारोह का आयोजन किया, एक विशाल रैली का आयोजन किया और उस रैली में लोहा मिलना बहुत मुश्किल था। आज हम फ्लैग पोल जो बना रहे हैं उसमें लोहे के पाइप को बना रहे हैं। पहले समय में बांस का पाइप हुआ करता था। बांस की एक क्वालिटी है कि नीचे से बोर्ड 22 फुट की होनी चाहिए। तो अब आप अनुमान लगाएं कि 22 फुट पर हमारा बांस का पाइप होगा कितना पतला हो चुका होगा। फ्लैग पोल तैयार था, झंडा डोरी से बंधा हुआ था, सारा अरेंजमेंट हो गया। जब बेटन पावेल जी से कहा गया, मैं निवेदन करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय से कि भोज की डोरी खींच करके भोज बनाने का कष्ट करें। तो जब जैसे उन्होंने डोरी खींची वो नॉट कहीं से ऐठ गई और खुल नहीं सकी, उन्होंने झटका दिया, कुछ डोरी से वो बोल्ट टूट गया, उस दूरी से वो बोल्ट टूट गया और सामने जो खड़ा बच्चा था वो देख रहा था इस घटना को। झंडा सहित वो डंडा गिर रहा था, बच्चे ने डंडे झंडे को कैच कर लिया, झंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया और कैच करके पुनः उस बांस पर चढ़ गया। इस प्रकार से चढ़ते हैं। और अब आप नोट करें एक बालक की स्काउट की एज बताई जाती है वो 10 साल से 17 साल तक की बताई जाती है। 10 साल के बालक का वेट कितना होगा मिनिमम, अगर हम वेट करें तो 20 किलो से कम का नहीं होगा। तो अभी जो ऊपर का बांस का पोल बचा एक फुट के बाद का, क्या उसके वेट को वो सह सकता है? बांस की क्वालिटी वो मैक्सिमम तक झुकता है, वो झुकने लगा, नीचे से एक बच्चा दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर बैठ करके एक मीनार बनाया और लास्ट उस बच्चे को अपने कंधे में बिठाया, दोनों डंडों को आपस में ज्वाइंट करके नॉट को ठीक किया और पुनः जब सब नीचे उतर के लाइन में खड़े हुए संभल हुए तो बेटन पावेल जी ने अपनी खींचा और उसको छूट कराया। बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर, ये सारी चीजें आपको स्काउटिंग से ही मिल सकती हैं। ज्ञान, शिक्षा, किताबी ज्ञान, सभी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ये चीजें हैं। बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके ज्यादा हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे मैं ज्ञानेंद्र झा, सहायक सचिव उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था जनपद गोरखपुर। आज भारत स्काउट गाइड संस्था के बेसिक शिक्षा का एक कार्यशाला किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम बेसिक शिक्षा में अभी शिक्षकों को भारत स्काउट गाइड संस्था के कार्यशाला में उसके नियमों और सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं, जिससे वो जा करके अपने विद्यालयों में बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों का और उसके कार्यक्रमों को प्रचारित करें, जिससे हम देश में अच्छे नागरिक तैयार कर सकें। ये उद्देश्य है कि भारत स्काउट गाइड संस्था के नियमों और उद्देश्यों के अनुसार अब भारत में अच्छे नागरिक हम प्राथमिक विद्यालयों में तैयार कराएं। मेरा नाम नौशाद अली सिद्दीकी, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट गोरखपुर मंडल और आजमगढ़ मंडल। स्काउट गाइड के नियम और प्रतिज्ञा के आधार पर बच्चों को जो उनके सिद्धांत हैं उसके आधार पर उन्हें तैयार करना है। जैसा स्काउटिंग का नियम है, पहला नियम स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है, स्काउट विनम्र होता है, स्काउट अनुशासनशील होता है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है, स्काउट साहसी होता है, स्काउट मितव्ययी होता है, स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। इन सारे नियमों को बच्चों के अंदर आत्मसात करने की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चा एक सुयोग्य नागरिक बन करके अपनी सेवा के साथ साथ अपने परिवार की सेवा के साथ साथ समाज और देश की सेवा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
मैं जिला गाइड कैप्टन बेसिक शिक्षा परिषद प्रतिमा शुक्ला। ये एक दिवसीय उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था के तहत बेसिक शिक्षा परिषद में एक दिवसीय कार्यशाला का आज आयोजन है और पिछले 3 सत्रों से हमारे भारत सरकार के द्वारा विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का प्राथमिक का भी जूनियर स्तर का भी दल पंजीकरण हो रहा है, तो इस कार्यशाला के साथ ही उस प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाएगा और इस तरह की एक कार्यशाला है और इसका उद्देश्य हमारा यही है कि स्काउटिंग का मेन उद्देश्य होता है सेवा भाव और वो सेवा भाव हमारे स्काउटिंग की प्रतिज्ञा और सिद्धांत और उसके नियमों के द्वारा आएगा जो आज कार्यशाला में लोगों को बताया जाएगा जिससे विद्यालय स्तर तक वो बच्चों को ले जा सकें, जिससे बच्चे एक सुयोग्य और अच्छे नागरिक के रूप में हमारे समाज में स्थापित हो सकें, जिससे हमारे समाज देश और राष्ट्र के लिए वो एक अच्छे नागरिक के रूप में साबित हों। प्रकाश मद्देसिया, जिला स्काउट मास्टर, जनपद गोरखपुर। यह हमारे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निःशुल्क प्राइमरी स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्काउट गाइड की गतिविधियां को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए शासन अपने स्तर से निःशुल्क अपने विद्यालयों को दल पंजीकरण करा रही है, जिसके तहत उनका आज दल पंजीकरण का प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा और कैसे आगे बच्चों को स्काउट गाइड में तैयार करना है ताकि वे देश के लिए समाज के लिए काम आ सके, उसकी कार्यशाला यहाँ पे आयोजित है। जनपद में फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थानीय सेंटर ड्यूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 5वें दिन यंग बॉय चरगावा व लोको फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला गया, जिसमें यंग बॉय चरगावा ने लोको फुटबॉल क्लब को 4-0 से तथा पुल ए में स्टार क्लब भगवानपुर ने संदीप स्पोर्टिंग को 3-0 से हराकर अंक बनाया। आपको बता दें कि पहला मैच यंग बॉय चरगावा व लोको फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जहां एक तरफा मुकाबले में 16वें व 28वें मिनट में जमील और कृष्णा ने 1-1 गोल तथा 35वें व 38वें मिनट में आशिफ के 2 गोल की बदौलत यंग बॉय चरगावा 4-0 से विजयी रही। वहीं दूसरा मैच स्टार क्लब भगवानपुर व संदीप स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें स्टार क्लब भगवानपुर के दीपक गौड़, हसन अली व अली सेर ने 23वें, 36वें व 45वें में मिनट में गोल करके अपनी टीम को 3-0 से विजय दिला दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, ये अभी जो मैच आपके बीच चल रहा है यंग बॉयज चरगावा और लोको एफसी के बीच है, जिसमें यंग बॉयज चरगावा 2-0 से जीत रही है और ये आज मैच का 5वां दिन है और इसके बाद दूसरा मैच तुरंत खेला जाएगा सेंट लुइस महाविद्यालय के ग्राउंड पे। आगे कुछ पूछना? ये मैच चलेगा पूरे 30 सितंबर तक, टोटल 45 मैचेस लीग के होने हैं, अपने अपने हर समूहों के मैच। पहले ग्रुप ए में 6 टीम है और ग्रुप बी सी डी में 5-5 टीमें हैं, सबको एक दूसरे से मैच खेलना हर ग्रुप में। चूंकि ग्रुप ए में 6 टीमें हैं इसलिए टोटल हर टीमों को एक दूसरे से 5-5 मैच खेलने होंगे और बाकी बी सी डी ग्रुप में 5-5 टीमें हैं उनको
हर एक दूसरे टीमों से चार चार मैच खेलने होंगे और ये कुल 45 मैच होने हैं 30 सितंबर तक। उसके बाद नॉकआउट दौर शुरू होगा गोरखपुर फुटबॉल लीग के। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर सम्मिलित होने मंगलवार को आएंगे सीएम योगी। मंगलवार को है युग दृष्टा महंत दिग्विजयनाथ की पुण्य स्मृति। शाम को श्री राम कथा के समापन समारोह में भी होंगे शामिल। बुधवार को आयोजित होगा महंत अवैधनाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह। 91वीं पर हिंदू पक्ष में आए फैसले को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस टीम के साथ महानगर में किया फ्लैग मार्च। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया अपील। प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर गीडा थाने की पुलिस व तहसील बास गांव की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क। 2 करोड़ की जमीन बैंक के खाते में जमा 10,20,942.30 को कराया गया सीज। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों का किया जाएगा जांच। टीमें की गई हैं गठित। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषयक संगोष्ठी में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास ने कहा, गो सेवा के बिना भारतीय संस्कृति की नहीं है पूर्णता। गो रक्षा व गो सेवा के क्षेत्र में गोरक्षपीठ का योगदान अनिर्वचनीय। जनपद में लगातार अपराध में शामिल रहने वाले जनपद के 6 थानों के अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री शीट। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। भारत सरकार के डेलीगेशन समिति के साथ विदेश दौरे से वापस लौटे सदर सांसद रवि किशन मीडिया से हुए रूबरू। कहा, विदेशों में भी बढ़ा है भारत का मान सम्मान। वहां पर रह रहे लोग भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं गौरवान्वित। चौरी चौरा व उर्वा बाजार थाने के फरार चल रहे अपराधियों पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुरस्कार किया घोषित। एसएसपी ने दी जानकारी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को बनाया गया राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। पार्षदों एवं अधिकारियों की जागरूकता एवं सहभागिता की बैठक में सभी को दिलाया टीवी उन्मूलन के लिए शपथ। कहा, वादा है कि 2025 तक टीवी रोग से मुक्त हो जाएगा भारत। चौबीस घंटे के अंदर 3 मोबाइल लुटेरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का एक एप्पल मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विचन के 6वें दिन कथा व्यास ने कहा, गोरक्षपीठ की एक और विशेषता है कि यहां गौ सेवा तथा गोरक्षा का प्रति वर्ष संकल्प लेकर अधिकाधिक किया जाता है क्रियान्वित। जब सदर सांसद रवि किशन शुक्ला बने ट्रैफिक कंट्रोलर, महानगर के लोगों को आईटीएमएस के सिस्टम से ट्रैफिक के नियमों के प्रति किया जागरूक। कहा, त्रिनेत्र कैमरे की नजर में रखा गया है पूरे गोरखपुर को। पकड़े जाएंगे क्रिमिनल, खत्म होगा क्राइम। लूट की मोबाइल के साथ एक सातिर अभियुक्त राहुल सोनकर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के कार्यशाला का आयोजन कर भारत स्काउट गाइड के बारे में दी गई जानकारी। कहा, विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों के बारे में बताएंगे शिक्षक, ताकि देश में तैयार हो सके अच्छे नागरिक। और
बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के पांचवे दिन यंग बॉय चरगावा ने लोको फुटबॉल क्लब को 4-0 से हराकर किया जीत हासिल। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।